स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर भिलाई सेक्टर 6 जामा मस्जिद में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण इमाम साहिब मौलाना मंजर जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जमील भाई ने किया। इस कार्यक्रम में जमील भाई ने अपना वक्तव्य रखा और आज़ादी हमको कैसे हासिल हुई और कैसे देश के सभी लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया, इसे याद दिलाया। लोग इसको बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं और यकजहती का सबूत पेश करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी तबका हो, खाते हैं। इसलिए हमें और आपको इसका खूब खूब अंदाजा है कि हम इस त्यौहार को कैसे मनाएं और कैसे मनाना चाहिए, और इसका हम अपने आप को सबूत देते हैं। हालांकि सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, सबूत तो हमारे पूर्वजों ने देकर चले गए। मौलाना अशफाकुल्ला खां, मीर हमीदुल्ला, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे। जब इतिहास में नाम का जिक्र होता है, सबका हक है देश पे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए जो देश का संविधान है, इस संविधान की रक्षा करना आज हम लोगों का फर्ज बन गया। हम इस आजादी को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा,